झारखंड की सियासत में पंकज मिश्रा का नाम अचानक से हर किसी की जुबान पर है। रूपा मामले में नाम आने के बाद तो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बताया चले कि पंकज मिश्रा बरहेट से विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद से वो अचानक चर्चाओं में आ गए। रांची की रहने वाली और साहिबगंज महिला थाने की प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या मामले में उनका नाम सामने आया। रूपा तिर्की मामले ने इतना तूल पकड़ा कि सभी पार्टियों ने इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर डाली। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने अब जाकर जांच के आदेश तो दिए, लेकिन सीबीआई जांच कराए जाने को लेकर अब भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में वायरल ऑडियो में एक आरोपी पुलिस अधिकारी से बताता है कि वो पंकज मिश्रा के कहने पर काम करता है। रूपा तिर्की की मौत की जाँच, पंकज मिश्रा की संपत्ति की जाँच कराने के लिए बीते सप्ताह हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके मुख्यमंत्री से सवाल किया कि ये पंकज मिश्रा कौन है। एक के बाद एक आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और साहिबगंज में उनके नाम का खौफ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक व्यवसायिक अंकुश राजहंस, जिनका एक दरोगा से बातचीत वाले एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें भी पंकज मिश्रा का नाम सामने आया है। वहीं दलितों की ज़मीन हथियाने समेत अनगिनत आरोप भी पंकज के ऊपर लगे हुए हैं। फिलहाल इन सब बातों को देखते हुए हर कोई यही कह रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के करीबी होने का नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।